बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वजीहा है और मैं इन्वेस्टर पॉइंट की तरफ से आपसे आज दोबारा से बात करने के लिए आई हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज मैं जहाँ पर खड़ी हुई हूँ, हमेशा मैंने जहाँ भी वीडियोस बनाई हैं वो तकरीबन या तो E12-3 ही होता है या फिर टॉप सिटी में बनाई थी, और आज इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वो E12-2 है, और E12-2 का डबल रोड है जहाँ पर ऑलरेडी रोड्स वगैरह बन रहे हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स, बहुत सारे व्यूअर्स जो कह रहे थे कि E12-2 में तो अभी तक कोई डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई काम नहीं चल रहा, तो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है। और जो परेशान थे कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा इसी तरफ ध्यान है कि हम E12-2 में परचेज़ करेंगे प्लॉट्स, बट वो इस वजह से परचेज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उन लोगों के लिए ये एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ समझ लें, क्योंकि यहाँ पर रोड्स वगैरह बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और आपके सामने इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ वो ऑलरेडी E12-2 का डबल रोड है, और यहाँ पर रोड्स की, इसके अलावा जो गलियों की कटिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। मेरी बैग पर शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ है जो यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। इसके अलावा अभी मशीनरी भी थी। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, नमाज़ का टाइम है, मगरिब होने वाली है, तो रमज़ान है, और लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाने आए हैं ताकि जिन लोगों को बाहर से आने वाले हैं या फिर वो लोग जो यहाँ पर आके विज़िट नहीं कर सकते हैं बट उनको देखना था कि यहाँ पर एक्चुअली चल क्या रहा है, किस तरह के जिनके प्लॉट्स हैं और जो परचेज़ करना चाहते हैं और जो परचेज़ करने के बारे में अभी सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है कि आप लोग यहाँ पर आएँ, ना भी आएँ तब भी आप उनको, आपको पता होगा कि यहाँ क्या क्या काम हो रहा है। E12-2 में इस वक्त सामने मेरे D12 है, और D12 को आपको उसामा दिखा सकते हैं कि यहाँ सामने मेन रोड है, और उसके बाद E12-2 का अपना डबल रोड बन गया है। माशाल्लाह से फुटपाथ वगैरह का काम चल रहा है, सारा काम यहाँ पर तकरीबन काफ़ी स्पीड में चल रहा है। तो वो लोग, जिन लोगों को परेशानी थी, कोई मसला था कि आज अभी तक वहाँ काम नहीं स्टार्ट हुआ तो पता नहीं वहाँ क्या होगा, और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि E12-2 के सामने तो कोई आबादी ही नहीं है, इस वजह से लोग परचेज़ करने में थोड़ा सा आर महसूस कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये एक सारे जितनी भी परेशानियां हैं वो मेरे ख्याल में दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप आएँ और जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए अब हम E12-2 को बताएंगे कि वो उनके ऑलरेडी विजिबल प्लॉट्स वो देख सकते हैं, उनकी यहाँ पर रोड्स की कटिंग जारी है, काम चल रहा है, सामान रखा हुआ है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है। मैं इस वक्त यहाँ पर जो खड़ी हूँ ये आपको नज़र आ रहा होगा कि फुटपाथ के पत्थर वगैरह लग चुके हैं और काफ़ी अच्छे स्पीड में काम चल रहा है। इसके अलावा अगर उसामा दिखा सकें तो हम थोड़ा सा चलकर दिखाएंगे कि E12-2 में रोड की कटिंग जारी है, जहाँ पर उन्होंने वाइट चौक से कटिंग का काम शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर तरक्याती काम काफ़ी स्पीड में जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख सकते हैं अपनी बहुत ज़्यादा, आप जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे बिल्कुल एक्चुअल विज़िट है। अगर आप नहीं आ सकते तो आप इस बात से बिल्कुल परेशान मत हों कि आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर आ नहीं सकते हैं और प्लॉट परचेज़ भी करना चाहते हैं बट आपके पास इतना टाइम नहीं है। रमज़ान भी चल रहे हैं माशाल्लाह से, तो रमज़ान के दिनों में भी लोग परचेज़ करना चाहते हैं बट वो आ नहीं पा रहे हैं, तो इससे ये होगा आपको कि मैं आपको एक एक्चुअल व्यू दिखा रही हूँ जिससे आप लोगों को आसानी होगी फ़ैसला करने में कि आपने प्लॉट परचेज़ करना था, आपको जगह पसंद थी E12-2 की बट परचेज़ नहीं कर पा रहे थे सिर्फ इस वजह से कि कब काम शुरू होगा। तो माशाल्लाह से यहाँ पर काम जो है वो बहुत स्पीड में जारी है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे E12-3 में काम काफ़ी हद तक हो चुका है, ना सिर्फ रोड कटिंग हो चुकी है बल्कि वहाँ पर कुछ ही दिनों में फुली कारपेट रोड नज़र आएंगे आपको, और पूरे प्लॉट्स को बहुत अच्छे से सेट कर दिया गया है, काफ़ी हद तक वहाँ पर काम हो चुका है, और अब E12-2 की बारी है, और सिर्फ बारी ही नहीं वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है क्योंकि इस वक्त मार्गला एवेन्यू का इफ्तिताह हो चुका है जो PM इमरान खान ने रमज़ान में ही किया था, इसकी वजह से यहाँ के रेट्स बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि अभी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अभी इन्वेस्टमेंट आपकी थोड़ी होगी बट
आपको अर्निंग ज़्यादा मिलेगी। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप कोशिश करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हमारे और भी रियल्टर्स जो इस यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का ज़िम्मा हमारा है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम आपको एक अच्छा और साफ़ जगह बताएं जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, CDA सेक्टर हो, और CDA सेक्टर में लोग बहुत ज़्यादा आसानी से इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सो डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। अगर मेरी कोई बात आपको समझ ना आई हो या फिर कोई क्वेरी जो रह गई हो, तो सो प्लीज़ कॉल मी ऑन माई नंबर जो कि स्क्रीन पे दिया जा रहा होगा, और हमारी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर इसके अलावा कोई भी बात हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें अगली वीडियो किसके बारे में बनानी चाहिए। तो मैंने आज अपना वादा पूरा किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि E12 के बारे में वीडियोज़ बनाएँ। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।